नमस्कार। खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रानी गजबी। प्रेम के रिश्ते में हमें जो प्रेम चाहिए वो क्यों नहीं मिलता, और कई बार प्रेम मिल भी जाता है तो अंत में उस प्रेम को पाना पीड़ा भरा होता है और उसका अंत भी अच्छा नहीं होता है। इसका सच्चा अर्थ बता रहे सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज। हम प्रेम के लास्ट अर्थ वाले यानी क्लाइमेक्स की सोच से परस्पर जुड़ते हैं, यानी प्रारंभिक रूप में पति पत्नी के पूर्ण भाव से एक दूसरे से चरित्रक रूप से समर्पित होकर जुड़ना। इन रिश्तों को गहनता से देखें और जांचें कि ये हमारे प्रेमिक जीवन में कितने और कहां तक टिकाऊ हैं। तो स्वामी जी के बताए इन पांच प्रेम के भाग में जांचें और फिर विचार करें। परस्पर एक दूसरे की नियमित केयर करना, एक दूसरे का साथ देना, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रेम का अभाव ही रहता है और इसका परिणाम रिश्ते में खटास पैदा करता है। एक दूसरे की पसंद का खाना बनाकर खिलाना या बनाकर भेजना, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परिणाम इस भाग के रिश्ते का मीठा फल भी नहीं मिलता है। एक दूसरे के साथ कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदी करना, साथ में बाजार जाना या ऐसी जगह घूमना जो एक दूसरे को आनंद दे सके, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परिणाम इस भाग के रिश्ते का मीठा फल नहीं प्राप्त होता है। इस भाव में मुख्य दो भाग हैं, एक अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक और दूसरा अपनी व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं का निदान करने में एक दूसरे का भरपूर सहयोग करना। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो पूछकर केवल राय देकर छोड़ देते हैं। परिणाम इस भाग के रिश्ते से बनकर मिलने वाला रिश्ता मीठा फल नहीं दे पाता है। रिश्तों में जीवन की सबसे नज़दीकी अवस्था है अभेदावस्था, जिसमें कोई सौदा नहीं होता, जिसमें केवल प्रेमयुक्त प्रेम समर्पण होता है। रिश्ते एक कच्चे धागे की डोर में बंधे होते हैं। इंसान सब कुछ कमा लेता है लेकिन जीवन में सच्चे रिश्ते प्रेम भाव बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। जीवन में अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते, प्रेम प्यार आपको जीवन की हर खुशियाँ दे सकता है। अतः रिश्तों के लिए बड़ी सहनशीलता और विनम्रता चाहिए। सहनशील बनिए, विनम्र बनिए, आप जीवन में सब कुछ कमा लेंगे। जय सत्य ओम सिद्धायम नमः।